ऐसा ही टेंट बनाइएगा जब भी आप कैंपिंग करें। ये देखो, ये चीज देखो, चीज ये देखो, बस 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 ये देखो, ये भाई साहब बिल्कुल फुल चीज ही। तो गाइस एंजॉय कीजिए हमारे म्यूजिक को। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, आपके गुप्ता जी ऐसे नहीं है, आप जिनका वीडियो देख रहे हो वो वोगी वोगी 2010, फिर बता दूँ वोगी वोगी 2010 जो कि सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता था 2010 में, किड चैंपियनशिप आई थी, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट विनर रहा है आदिल खान। वो कहते ना दोस्तों पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई, तो आपका पहाड़ों पर आना बेकार है। तो पहाड़ों की कैंपिंग में हमने इस बार बना डाली मैगी, वो भी चीज वाली। हवा चल रही है, हवा भी चल रही है, हवा से तो ठंड हो रही है, बारिश का लग रहा है मुझे मौसम। तो लेपर्ड की इतनी भयंकर आवाज थी, बिल्कुल बिल्कुल पास ही पीछे से हम बातों में थे। और गाइस यही तो खतरा है, बड़ी वाली टोन चला, ऐसा नहीं कि यहाँ लेपर्ड नहीं है। भाई जो भी है निकल ले, गन है हमारे पास, निकल लो निकल लो, गन है भाई हमारे पास, टेंट के बाहर आग की फाड़ दूंगा, भाग जाए यहाँ से, भाग जा, जाऊं टेंट के बाहर, नहीं नहीं तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे कैंपिंग ब्लॉग में। और इस बार फिर से एक एडवेंचरस ट्रिप पे हम निकल चुके हैं, और यहाँ पर मेरे साथ हैं फौजी भाई, जय हिंद दोस्तों। और हम लोग जा रहे हैं आज एक नए कैंपिंग ब्लॉग के लिए। और गाइस मैं एक बार लोकेशन दिखाऊं आपको, ये देखिए अभी सनसेट हुआ नहीं, होने वाला है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लोकेशन एक नंबर है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। ट्रैक करते करते थक गए हैं, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पर और टेंट वगैरह पिच करते हैं। अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आज हमारी यहाँ कैंपिंग होने वाली है। थोड़ा सा झाड़ी वगैरह है, क्लीन कर लेंगे, उसके बाद टेंट को पिच करते हैं। तो गाइस जितनी खूबसूरत ये लोकेशन दिख रही है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, फिर भी हम यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं टेंट को पिच, नहीं तो रात हो जाएगी, लकड़ी भी लानी है अभी थोड़ी बहुत। तो गाइस उतारते हैं बैग और करते हैं टेंट को पिच। टेंट सेटअप हो चुका है और सारा किचन का भी सेटअप कर लिया है। बोन फायर के लिए लकड़ी भी हम ले आए, रात हो गई थी इसलिए हम आपको लाते हुए नहीं दिखा पाए। और दूसरा हमारी टेंट का लुक देखो और बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। फटाफट से करते हैं बोन फायर, माचिस भी गीली हो गई, बहुत पड़ रही है ना। देखो गाइस हमारा नया तरीका बोन फायर करने का, आग जलती कितना अच्छा लगता है ना भाई, ठंड हो रही है बहुत, आज ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ओपन एरिया है ना, ऊपर पेड़ का है नहीं, तो यहाँ सारे ओस पड़ रही है, सूखे पत्ते रोकता हूँ ताकि आग भाई नहीं है। घास ही ढूंढ लो है ना, नहीं पत्ते ढूंढ, पत्ते और घास ढूंढ लो, जो भी ढूंढना है पत्ते ही हैं घास। ये फ्लेम करना हो ना तो ऐसी जगह आग ही ना जला पाए, सही बात है भाई। आग जलेगी तो सेफ्टी महसूस देती है, खतरा कम हो जाता है, अरे जंगली जानवरों का जो डर है ना वो खत्म हो जाता है। हाँ। भाई इसका सबका छोड़, लकड़ी तो सूखी लग रही है मुझे, गीली है, गीली है, पाला पड़ रहा है, बारिश भी हुई है कुछ टाइम पहले, तो होता रहता है पहाड़ों पे ना अक्सर बारिश हो जाती है यार। तो दोस्तों बोन फायर हो गई है और चलते हैं जल्दी से अपना खाने की प्रिपरेशन करते हैं और डिनर बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, जंगली जानवरों की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आ रही है, बाकी देखते हैं कि यार वो उनसे मीटअप हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो गाइस डिनर की करते हैं तैयारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बोन फायर जल रही है और इधर क्या कहते हैं हमारा म्यूज़िक सिस्टम भी लग चुका है,
म्यूजिक हम ज़्यादा नहीं सुना सकते, केवल नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ही सुना सकते हैं आपको। और दोस्तों यहाँ फौजी भाई कटिंग भी कर रहे हैं, और अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, क्या बनाने वाले? मैगी, क्योंकि लोकेशन ऐसी है ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो दोस्तों जंगली जानवर का इलाका है, तो मैगी के अलावा हम ज़्यादा कुछ बना सकते, क्योंकि ऐसा है कि हमें आधे घंटे में समेटना है यहाँ से कैसे भी करके, राइट? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से बनाते हैं मैगी अपनी और खाते हैं, फिर चलते हैं टेंट में। और ये गन बड़ी काम आ रही है हमारे, फ्लेम गन का बहुत फायदा है भाई। फ्लेम गन एक तो सेफ्टी बहुत है इससे, दूसरी बात आग जलाने में बहुत जल्दी आसानी हो जाती है हमें। बिल्कुल सही बात है। नहीं आज हम जो मैगी बनाने वाले हैं ना, वो बनाने वाले हैं चीज मैगी। वाओ, यस, लोग खाते हैं मसाला मैगी, बटर मैगी, हम खाने वाले चीज मैगी। अच्छा जी, चलो भाई। किसी भी कैंपर ने नहीं बनाई, आपने खाई इससे पहले कभी? खाई है, बट मेरे को नहीं मालूम वो चीज थी या क्या थी। चीज मैगी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो स्लाइस वाली चीज तो डाली उन्होंने, वही वाली स्लाइस वाली है क्या? नो, हम मोजरेला चीज है। ओहो, पूरा पिज्जा बनाओगे बढ़िया करके? यस यस यस। तो दोस्तों आज होने वाली चीज मैगी, और बढ़िया खाना बनेगा, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी चलता वलता बना के हम टेंट के अंदर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेंट के अंदर भी जाने का हमारा कोई रीज़न नहीं है खास, क्यों फौजी भाई? अगर कोई जंगली जानवर अगर आता है तो हम वहीं जाना पड़ेगा, वही सेफ एरिया होता है हमारे लिए। प्याज तो बस अपनी कट गई है, वो और ज्यादा पड़ रही है गुप्ता जी, आज ओसी पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं नहीं लग रही? ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोई नहीं, टाइम क्या हो गया, टाइम तो देख लो एक बार। यूं ऐसी लग रही है जैसे उसकी होती है ना बारह सिंगा की आवाज है। बारह सिंगा की? हाँ भाई, मेरे तो नहीं है, बारह सिंगा की आवाज है। गाइस डर गए थे, कह रहे हैं कि किस चीज की आवाज है, वो बारह सिंगा की आवाज है। मेरे को लगा बालू या लेपर्ड आ गया। तो बारह सिंगा की आवाज से हमें कोई डर नहीं है, हमें डर है केवल। तो हंस रहे हो मेरे पर? हैं नहीं, हंसने की बात नहीं। ना ना ना, हंस रहे हो भाई, डर गए थे ना, तुमने रिएक्शन ही ऐसा दिया यार। डरो तुम, मतलब मेरे, मैं जंगल में आता हूँ कम भाई, तुम्हारे संग ही करी है मैंने कैंपिंग सारी, जितनी भी ज्यादातर करी है। बस तो जब तो मैं तुम्हें आवाज बता दी किस चीज की आवाज है, तभी तो आता भी हूँ, तुम्हें नॉलेज है। नहीं तो मैं ना हूँ किसी अरे गरे नत्थू कह रहे के संग। दोस्तों ये हमारे फौजी भाई है, पूरे ट्रेंड है, हर चीज में हेल्प करते हैं हमारे, जैसे कि अभी खाने में भी कर रहे हैं, मुझे नहीं बनाने देते ये, देख लो काम नहीं कर रहा, बैठा हूँ आराम से मस्ती मार रहा हूँ। मैगी बनाते हैं तो सब। हाँ, gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh oh, tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen? ये आग का ध्यान रखो, मैं मैगी बना लूँ। हाँ भाई, बिल्कुल। हवा चल रही है बहुत तेज। हाँ। आज तो भाई ठंड लग रही है भयंकर वाली। लगता है कैप लगाना पड़ेगा। हाँ। मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मस्त चीज मैगी। बढ़िया भाई, बढ़िया। आज तक कैंपिंग में किसी ने भी नहीं बनाई होगी गुप्ता जी। ये भी बात है, ये फर्स्ट टाइम है चीज मैगी। क्योंकि हम जो चीज बनाते हैं ना, वो चीज होती है, वो चीज ही ऐसी होती है कि जो ज्यादातर लोग कैंपिंग में नहीं बनाते। बिल्कुल, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल कुक। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी जितनी भी कैंपिंग है, पनीर टिक्का, सोया चाप, थैंक यू, वेलकम। तो गुप्ता जी, चलो ऑयल डालते हैं, बस आप वो दिखाओ इसमें ना, टॉर्च। हाँ, टॉर्च दिखाओ। वाह वाह जी वाह, गुप्ता जी वाह, मजा आने वाला है आज तो है। अरे फुल एंजॉय। ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? नहीं नहीं, अभी तो नहीं लग रही, थोड़ी देर। हाँ, बर्फीली हवा चल रही है। बर्फ की हवा ऐसे आ रही है ऐसे? हाँ। और ये इधर की हवा जब चलती है ना, तो इसको गांव के जो लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं इसे परवा चल रही है। परवा, तो इसके साथ में बारिश पक्का आती है, बारिश का मौसम है, क्योंकि बारिश पड़ेगी तो बर्फबारी होगी ना। बिल्कुल, बारिश पड़ती है बर्फबारी होनी शुरू हो जाएगी। सही है, कोई टेंशन नहीं है, बस बारिश तो झिल जाएगी सीधा टेंट में, अपना टेंट तो रेन प्रूफ है। हाँ हाँ। पीछे का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना हमको गुप्ता जी, पीछे का तो रख रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो, जब दोनों साथ में है तो टेंशन नहीं है। तो दोस्तों जब तक
तेल गर्म होता है और मैगी की प्रिपरेशन ये चालू करते हैं, तब तक मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि कितना डीप फॉरेस्ट है और कितना घना अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, और जंगली जानवरों का खतरा है ही है क्योंकि पीछे से हमारे खाई है पूरी। ये हमारा यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और ये पीछे पूरा फॉरेस्ट है। मैं अगर टॉर्च मारूँ आपको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, मैं टॉर्च को तेज करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको देखिए। तो देखो दोस्तों कितना डीप फॉरेस्ट है और लैपर्ड वगैरह के आने के चांसेस जो है ना हमें यहीं से लग रहे हैं, और हो भी सकता है कि वो आ जाए क्योंकि पेड़ पे भी देख लेते हैं, कहीं पेड़ पे बैठा हो, पेड़ पे तो नहीं है। ये देखिए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट है। हम ज़्यादा देर बाहर रुकेंगे नहीं, हम टेंट के अंदर जाएंगे। पहले की आवाज़ आ रही है तभी मैं उधर देखने लग गया, कोई गांव में म्यूज़िक चल रहा है तो वहाँ की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों चलिए मैगी बनाते हैं और चलते हैं टेंट के अंदर। तो ये टॉर्च दिखाते रहो। हाँ मेरे भाई, तेल गर्म हो चुका है, अब डालता हूँ इसमें प्याज और कुछ वेजिटेबल। चीज में है? मेरे को तो सुन के ही बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मैगी तो बहुत खाई, चीज मैगी नहीं खाई शायद मैंने, नहीं खाई होगी ना। हाँ नहीं, वो एक बार उसने डाली थी, क्या नाम है वैसी वाली, वो घुल सी गई थी, वो ऊपर डाल के दी होगी लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, उसने डालते वक्त ही मतलब बनाते वक्त ही डाला था उसने, और वो घुल गया था। वो तो स्लाइस वाली ही डाली थी उसने। अच्छा, अमूल सी स्लाइस आता है ना। ओके ओके, बड़ी मोजरेला वाली नहीं खाई मैंने आज। खाना स्पेशल है भाई, आप हो तो खाएंगे। और ऐसी ठंड में, ठंड बहुत भयंकर है। नहीं अब हो रही है भाई सर ठंड, है ना? अभी आधे घंटे पहले तक तो नहीं लग रही थी। आपको थोड़ा तेज कर लो तो जिसको। हाँ, ये थोड़ी सी लकड़ी हिली है ना यार, ये प्रॉब्लम कर रही है। जब तक मेरे साथ कैंपिंग पे आओगे ना, जब भी आओगे खाने को स्पेशल ही मिलेगा, नई से नई चीजें। बढ़िया जी, अभी तो समर के दिन आने दो, आपको गर्मियों में ना एक से एक जूसर लेके आया करूँगा हर चीज़ का, मिल्क शेक, बनाना शेक, बादाम शेक, सारी चीज़ें चलेगी। बढ़िया। ये तो जरा मैगी बना रहा हूँ मैं, मैगी बना इसलिए रहा हूँ, एक तो जल्दी बन जाएगी, लोकेशन ऐसी है तुम जानते हो कि लोकेशन कितनी खतरनाक है, और दूसरी चीज़ मैगी है, नॉर्मल मैगी है नहीं, चीज़ का इस्तेमाल होगा तो स्पेशल है, डिनर भी अपना अच्छे से हो जाएगा। भाई खाना नहीं खाएंगे तो रात कैसे बीतेगी? सही बात है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जंगली जानवर हमें खा जाएगा। किसी का तो पेट भरे, हम ही भर लेते भाई, उसका नहीं भरवाएंगे हम पेट। भरवाओगे उसका? गुप्ता जी हवा चल रही है, हवा भी चल रही है, हवा से ही तो ठंड हो रही है। बारिश का लग रहा है मुझे मौसम। खतरा है, अब बारिश का मौसम कैसे हो रहा है दोस्तों? अभी पीछे से ऐसे एकदम से मतलब एकदम से आवाज आई और चौक के एकदम चौक गए हम दोनों। ध्यान रखना बहुत जरूरी है गाइस। लेपर्ड की इतनी भयंकर आवाज़ थी, बिल्कुल बिल्कुल पास ही पीछे से हम बातों में थे, और गाइस यही तो खतरा है। बड़ी वाली टोन से ऐसा नहीं कि यहाँ लेपर्ड नहीं है गाइस, लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खतरा था, लेकिन लेपर्ड ने अपनी हाजिरी दे दी है, अब हमें चौकस बैठना पड़ेगा। लेपर्ड तो आता है, जंगल है वो तो आना है लाजमी है। मैं थोड़ा सा उसका इलाका है गाइस, तो वो तो आएगा, बस ध्यान हमें रखना है कि हम लापरवाही ना बरतें। भाई जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया। आप लोग कहते हैं कि यार पता नहीं डेली लेपर्ड आता है, गाइस लोकेशन ऐसी है आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना भयंकर हुआ, कितना भयंकर हालों में पड़ा है जंगल का। वैसे जब एक बार आवाज़ आ जाती है ना लेपर्ड की,
तो तोते उड़ जाते, तोते। और अभी देखो हम कितना आराम से बैठे थे और दोनों देखो कैसे मतलब हाइपर से हो रहे हम दोनों, मतलब बोलते बोलते बैठे तो हैं, काम भी करेंगे लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है और अपना जल्दी करने की कोशिश करके सीधा टेंट के अंदर। नहीं आप ये भी तो फर्क दिख रहा होगा ना सब्सक्राइबर्स को कि हम जब पहले बैठे थे कितने कूल होके बैठे थे। सही बात है। और अब वो कूलनेस खत्म हो गई हमारी, अब हम हार्ड में बदल गए, हार्डनेस आ गई हमारे अंदर। भाई फटाफट करो पास करो। तो वेजिटेबल तो अपनी भुन गई है और गुप्ता जी मैं तो सर पे ना अपने कानों पर कपड़े बांध लेता हूँ क्योंकि ठंड लग रही है भयंकर, हवा चल रही है भयंकर वाली। भाई आज तो मैं कुछ भी नहीं लाया यार, भाई यही तो गलती कर ली तुमने। मैं थोड़ा सा ना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया कि वहाँ इतनी ठंड नहीं होगी। मैं तो इसका आप साथ में लेके चलता हूँ। नहीं सही कर दो यार, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अपना। अब मस्त है कैप वगैरह, हवा हमेशा कानों से हाथों से इन चीज़ों से ज़्यादा लगती है। मफलर वगैरह कैप वगैरह लेके आऊंगा यार, कुछ मैं भी डाल लेता हूँ है ना। 2 मैगी बना ले बहुत है ना। हाँ 2 यार और क्या। दोस्तों यहाँ मैगी डल रही है और मैगी के बाद डलेगा मसाला और चीज़ है ना। यस बिल्कुल। म्यूजिक चलाओ थोड़ा सा। हाँ म्यूजिक चल रहा है ना। तो गाइस एंजॉय कीजिए हमारे म्यूजिक को। ये नॉन कॉपीराइट है, थोड़ा सा इस पर फिर रख लीजिएगा आप ऐसे ऐसे करके। ये गुप्ता जी डांसर है गाइस, ये पहले डांस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे भाई। बहुत बहुत पब्स वगैरह में गए कॉलेज टाइम में, बहुत एंजॉय किया। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, आपके गुप्ता जी ऐसे नहीं हैं, आप जिनका वीडियो देख रहे हो वो वोगी वोगी 2010, फिर बता दूँ वोगी वोगी 2010 जो कि सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता था 2010 में, किड चैम्पियनशिप आई थी वहाँ पे, मेरा स्टूडेंट विनर रहा है आदिल खान। आप देख सकते हो पूरे 6 महीने हम वहाँ स्टेज पे रहे थे और मैं डेली स्टेज पे आता था। आप वोगी वोगी 2010 किड चैम्पियनशिप ग्रैंड फिनाले करके आप डालोगे तो स्टेज पे आप मुझे देखोगे ट्रॉफी रिसीव करते हुए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था 2010 में हमारे लिए और आप भी एक सेलिब्रिटी को देख रहे हो गाइस। क्यों भाई, भाई सही बात है। तो गाइस आज जो मैगी बन रही है वो अलग तरीके से बन रही है देखिए, और गुप्ता जी कर रहे हैं डांस साथ में म्यूजिक पे। अब गुप्ता जी पानी दो जरा, अभी लेपर्ड आ गया तो हमें डांस करवाएगा, बल्ले बल्ले करेगा। लेपर्ड को देखते ही गुप्ता जी लेपर्ड डांस शुरू कर देते हैं, तेंदुआ डांस। चलो पानी दो, तेंदुआ डांस देखो पानी ये इधर है, तेंदुआ डांस दिखाएं गाइस को। हां तेंदुआ डांस दिखाना अभी गाइस को। मैं हंस रहे यार तुम, तेंदुआ डांस रियल है, करते नहीं तुम तेंदुआ डांस। तेंदुआ जब आ जाता है तुम्हारा तेंदुआ डांस शुरू हो जाता है भैया। तेंदुआ डांस जो चालू हुआ है अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं वो कहां से चालू हुआ। वो डांस गुप्ता जी कर सकते हैं क्योंकि मैंने तो देखा है आप लोगों को कमी दिखा पाते हैं वीडियो में। चलो वो डांस मैं बता देता हूँ, मैंने सीखा है वो डांस। आपने गाना सुना होगा मैं पानी पानी हो गई, उसमें नूरा फतेह ने वो डांस किया था ऐसे बैठ के। मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकता, यहाँ पे मट्टी है थोड़ी सी। तो वो डांस को गुप्ता जी जब बहुत मस्त डांस करते हैं वो वाला, जब लेपर्ड आता है ना, लेकिन वो ऑफ कैमरा करते हैं, ऑन कैमरा नहीं करते हैं। ध्यान रखो कभी डांस ही निकाल दे असली में डांस। तुम इतना अच्छा कूल मूड बन जाता है हमारा। मैं मूड एकदम से मूड खराब कर देता हूं यार, मतलब जब आवाज आ जाती है तुम डांसर बन जाते हो। चलो मैं एक बार सर्च करके आता हूं। हां मैं क्यों ना लेपर्ड डांसर बन जाते हैं गाइस। ये हमारे गुप्ता जी थोड़े एंजॉय वाले हैं लेकिन जब लेपर्ड आ जाता है ना तो ये डांसर बन जाते हैं लेपर्ड डांस में। मैगी बनाते हैं अपनी मस्त। गुप्ता जी इतना एरिया का सर्विलांस कर रहे हैं चेकिंग। अरे नहीं यार कुछ नहीं, अरे हमसे डर के भाग गया तेंदुआ। अरे हमारी लाइट कितनी अच्छी लग रही है। अरे ऐसे आता नहीं लेपर्ड का, ये होता है जब हम बोल रहे हैं ना पास में आएगा लेकिन गुर्रा के निकल जाता है। जो आदम खोल लेपर्ड होता है ना वो अटैक करता है टेंट के ऊपर। बिल्कुल मेरे भाई, जल्दी से लेपर्ड अटैक नहीं करता। तो दोस्तों सर्विलेंस करिए आया हूँ, वहाँ पे कोई भी लेपर्ड नहीं है अभी तो, कोई भी नहीं है, आया होगा चला गया होगा गुर्रा के। वो एक्चुअल में हमें ना हाय बोलने आया था फौजी भाई, हमें हाय बोला उसने और चला गया। कोई नहीं ऐसे तो चलता रहता दोस्त है हमारा। तो अब डाल लेते हैं मसाला, ऐड कर लेता हूँ। मैगी आज अलग तरीके से बन रही है। कैसे? मैगी को मैंने पहले वेजिटेबल के साथ फ्राई किया है। हम वही देख रहा था आपने, हाँ। आपने मसाला नहीं करा आज, आज मैगी और मसाला सबसे लास्ट में डलेगा अपना। ओके यही तो है चीज मैगी। ओके
गाइज आप भी ट्राई कर सकते हैं रेसिपी को, बट कैंपिंग को नहीं ट्राई कीजिएगा जंगल के अंदर, ये इसके लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो किसी प्रोफेशनल के संग ट्राई कीजिएगा, जैसे कि मैंने फौजी भाई के संग ट्राई किया। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप फौजी भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे कर सकते हैं। फौजी भाई की इंस्टाग्राम आईडी है क्रेजी फौजी मलिक, वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हैं, या एक्सपेडिशन मोड मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे जाके, तो हम आपको लेके आएंगे ऐसी एडवेंचरस ट्रिप पे। ये बोनफायर का बहुत सारा यार। गाइस हवा बहुत भयंकर चल रही है, इसलिए चॉपिंग बोर्ड इधर लगा लिया जिससे कि ये इसका फ्लेम सही रहे, नहीं तो इसकी आँच जो साइड में जा रही थी अच्छे से मैगी नहीं बन पा रही थी, काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, बन नहीं पा रही इस हवा की वजह से। दोस्तों आप बोनफायर से देख सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है, बोनफायर बार बार बुझ रही है, इसे जलाना पड़ रहा बार बार। और ये जो ऐसे हमारे ब्यूटेन सिलेंडर से हम जो बनाते हैं ना, वैसे तो ये 4 घंटे चलता है, लेकिन जब ऐसी हवा होती है ना तो इसमें एक मैगी नहीं बन पाती, आप लगा लो आधा घंटा हो गया मैगी चढ़े हुए, मतलब उसमें उबाल ही नहीं आ रहा है। इसको फ्लेम को करते हैं, हाँ इसको फ्लेम को करते हैं लो, और अब हम डालते हैं इस पर चीज़ मोजरेला चीज़। इसका जो टेक्सचर आएगा ना वो देखना आप गुप्ता जी, जब ये बन के रेडी हो जाएगी। भाई तुम पे भरोसा, यार ऐसी बात नहीं है, कुकिंग में तो भरोसा कर सकता हूँ मैं आप पे। अच्छा वैसे नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकता हूँ, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर मी। तो गुप्ता जी, हाँ जी, देखिए मैगी देखिए पहले आप, ये देखो चीज, ये देखो चीज, ये देखो, हाँ यार हो रहा, देखो देखो दिखाओ दिखाओ सब्सक्राइबर्स को, दिखाओ एक बार, ये देखो वाह। तो दोस्तों चीज़ मैगी रेडी है हमारी, और जल्दी से सर्व कर दो यार, भूख लग रही है। बस रुक जाओ गुप्ता जी, होने वाला है अब इस पे, बस इसका ना इस पे मुझे नींबू और वो डालना है ना, अभी नींबू और चाट मसाला। अच्छा उससे क्या होगा? अरे टेस्ट उससे ही तो आएगा। अरे भाई ये डल रहा है इस पे चाट मसाला, नींबू और चाट मसाला डल चुका है गुप्ता जी। अब देखिए तुम भाई सर्व करो जल्दी से यार, इतने टाइम मत लगाओ फौजी भाई। तो गाइस मैगी बनकर रेडी है, अब करते हैं इसको सर्व। लो गुप्ता जी, यार फौजी भाई एक बात बताओ, दुनिया कहती है दो मिनट में मैगी बनती है, कहाँ बनी 2 मिनट में यार भैया, आधा घंटा चाहिए कम से कम मैगी का, आधा घंटा और कैंपिंग में 1 घंटा। ये देखो ये चीज, देखो चीज, ये देखो माय गॉड, बस 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 बस, ये देखो ये वाओ मस्त है ना। तो दोस्तों मैगी बनके रेडी है, हम खाते हैं और बताते हैं कि कैसी मैगी बनी। ये देखिए गाइस मैं टॉर्च मार रहा हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी टेक्सचर में है ये। तो चलिए जल्दी से खाते हैं और बताते हैं कैसी बनाई फौजी भाई ने। टेस्ट करो गुप्ता जी मैगी का जरा, आज है तो गरम गरम, ये देखो जाए चीज अल्टीमेट। भाई साहब बिल्कुल फुल चीज ही, ये देखो दोस्तों ऐसी बनी है जैसे ना, मतलब मैं पिज्जा मैगी खा रहा हूँ लाइक। गाइस चीज मेरे को ऐसा हो रहा है कि आप देखिए कितनी दूर तक ही खींच सकते हैं चीज को। बहुत अच्छे से बनी है, अच्छे से चीज मेल्ट हुआ है, अब खाने में स्वाद एक नंबर मस्त है, मजा आ गया जम्मे एक नंबर मस्त। बस एक चीज का अफसोस रहेगा फौजी भाई। हाँ बताओ। यार 2 नहीं 4 बनानी चाहिए थी मैगी तुम्हें। चलो नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, सही है यार, ज्यादा रात को खाना भी कम चाहिए ना। वो कहते ना दोस्तों पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाई, बस तो आपका पहाड़ों पे आना बेकार है। तो पहाड़ों की कैंपिंग में हमने इस बार बना डाली मैगी, वो भी चीज वाली। रिलैक्स म्यूजिक के साथ मैगी को एंजॉय करते हैं साथ में कैंप फायर। गाइस से ज्यादा आनंद कहीं नहीं आ सकता, फुल एंजॉय है। आप भी आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम करो, मेरे साथ आओ, फुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। जो एंजॉय हम कर रहे हैं वो कराएंगे, लेकिन गाइस खतरा है, लेकिन जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात बोली फौजी भाई ने कि फ्री कैंपिंग कराएंगे,
कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कॉस्ट नहीं। तो ऐसा कोई भी कैंपर नहीं करता, जो भी कैंपिंग आपको कराएगा वो आपसे चार्ज मांगता है 500, 1000, 2000 रुपये पर डे का। बट यहाँ फौजी भाई आपको फ्री करा रहे हैं। तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए डीम कीजिए इनको। चलिए गाइस जल्दी से अपना डिनर को फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। यहाँ बाहर बैठना क्यों गुप्ता जी, बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, डेंजर फॉरेस्ट है। बोन फायर भी अच्छे से नहीं जल पा रही, आग भी अच्छे से नहीं जल पा रही क्योंकि हवा चल रही है और मौसम में मॉइस्चर है, नमी है, क्योंकि लगता है बारिश आएगी। हवा भी चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, नाक में से पानी चलने लगा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। वो तो गर्म गर्म मैगी खाई है, थोड़ा अच्छा लगा खा के, शरीर में थोड़ी गर्मी सी आई। तो चलिए गाइस डिनर को अपना फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैगी खा रहे हैं हम लोग और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप फील नहीं कर सकते कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ऑसम फील कर रहे हैं, ऑसम ग्लोरियस। दोस्तों ये कैंपिंग करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत दूर से हम लोग आते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा देर हम बाहर बात नहीं कर सकते, हम मैगी खाते हैं और चलते हैं टेंट के अंदर। तो दोस्तों डिनर हो चुका है और चलते हैं जल्दी से टेंट के अंदर। उससे पहले मैं एक बार और लुक दिखा दूँ आपको हमारे कैंप की कैसी लगती है। तो गाइस देखिए ये बोन फायर है यहाँ पे और सामने हमारा टेंट लगा, कितना प्यारा लग रहा है। एक स्क्रीनशॉट की फ़ोटो भी लेके रखिए आप, ऐसा ही टेंट बनाइएगा जब भी आप कैंपिंग करें। तो गाइस चलते हैं टेंट के अंदर। चलिए तो गाइस अब अपना टेंट में चलते हैं और सोते हैं क्योंकि यहाँ बाहर अपना खतरे से खाली नहीं है। लाइट को हटा देते हैं, चलिए इसको हटाना, आ जाओ गुप्ता जी बस बंद कर लेते हैं इसका। तो दोस्तों मैगी वैगी खाके आ गए हम टेंट में, तो अब थोड़ा सा हम इंस्टाग्राम वगैरह चलाएंगे, सोशल मीडिया, घर में बात करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। फौजी भाई क्या है ये गुप्ता जी, भाई समझ नहीं आ रहा है, तो टेंट ही ला रहा भाई, इधर का कुछ ना कुछ इधर है गुप्ता जी। ओए 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 क्या है भाई, क्या है ये, क्या है ये, कौन है, है क्या है, हट ओ भाई, ये तो भाई है गुप्ता जी, गुप्ता है यो, ये पीछे आ गया भाई, पीछे आ गया भाई, भाई ये तो अधिकार, टेंट देखो टेंट फाड़ दिया भाई, टेंट फाड़ दिया भाई, टेंट फाड़ दिया भाई, ये तो टेंट फाड़ दिया वो भाई, भाई वो पता नहीं क्या है पीछे, कुछ तो है गुप्ता जी भाई, क्या है कुछ तो है भाई, देखो भाई तुम्हारे पीछे वही है भाई, भाई देखो देखो हमारा टेंट कैसे हिल रहा भाई, हमारा टेंट फाड़ दिया इसने भाई, बिल्कुल भाइयों इन्होंने हमारे टेंट फाड़ दिया, जो भी हट 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 हट, आदमी है भैया है, आदमी लग रहा मुझे, कोई कोई ड्रामा कर रहा है मेरे साथ, कौन है भाई, जो भी है निकल ले, गन है हमारे पास, निकल लो निकल लो, गन है भाई हमारे पास, अरे टेंट के बाहर आग की फाड़ दूंगा, भाग जा यहां से, टेंट के बाहर भाग जा, जाऊं टेंट के बाहर, नहीं नहीं ओए जो भी है हट जा वहां से, मेरे पास गन है, गोली मार दूंगा तेरे को, मैं बाहर निकल गया ना ठोक दूंगा, दो सेकंड चुप रहो, देखते हैं 5 सेकंड में ना, अगर नहीं बोला इसमें आदमी तो चला गया होगा या कोई ऐसी चीज जो हमारी भाषा समझती है, तो बार बार कंटेंट कर सकते कभी इधर से कभी इधर से, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन हिला रहा है, चल कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है सर, तो भाई यार वो टेंट ही फाड़ रहा है, देखो हमारा टेंट कैसा हो रहा है, हमारा टेंट देखो, इधर रहम करोगे, ये देखो गाइस हमारी लाइफ फिर सब मिल रही है, कोई हमारे पीर नहीं इधर, ये तो कोई भाई 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 ये तो बहुत ही ज्यादा सीन हो रहा है क्रिएट भाई, मेरे को लग रहा है भालू उतर ही ये लेपर्ड है दोनों में से, इसने टेंट फाड़ दिया हमारा, हमें मेरा तो बिल्कुल नया टेंट है भाई, बाहर निकलूं मैं, नहीं नहीं भाई बाहर मत निकलो यार, मेरे को टेंट की चिंता नहीं है, अपनी तुम दोनों की रिएक्शन मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, यूं ही अटैक करेगा, जितना हम रिएक्शन करेंगे ना अंदर से सो जाएंगे। तो गाइस हम मैं इसको कैमरे को शट डाउन करता हूं, हम इससे थोड़ा सामना कर लें फिर बाद में आपसे बात करते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रात में लैपटॉप के साउंड ने हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करा यार, क्यों फौजी भाई, बहुत ज़्यादा भाई, फौजी भाई तो ऐसे बैठे हैं जैसे अभी भी मतलब सोए नहीं पूरी रात, मैं तो फिर भी एक आधा घंटा मेरी आँख लग गई थी, बट फौजी भाई पूरी रात नहीं सोए,
गाइस अभी देखिए टाइम हो रहा है करीब 5:30-6 बजे के आसपास का हो रहा है और सनराइज़ भी नहीं हुआ है। सनराइज़ होने में भी टाइम है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ फॉग वगैरह हो रखी है थोड़ी बहुत, और कुछ लोकल लोग भी जग गए हैं आसपास में, तो अब हमें ज़्यादा ख़तरा नहीं है। तो बनाते हैं जल्दी से एक कॉफ़ी और पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ हमारी कॉफ़ी रेडी है, कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कैसी लगी वीडियो आपको ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसी एडवेंचर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया, रुको जरा। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर।